मध्य प्रदेश विच बीते दिनी आए नतीजों तो बाद हुण कांग्रेस हाईकमान ने कमलनाथ नूं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐलान दिता, जिस नूं लैके हुण अकाली दल समेत कई होर विरोधियों वल्लों लगातार आवाज़ बुलंद की जा रही है। 1984 सिख कतलेआम च कमलनाथ का हाथ होने के दोष सामने आए सन। अकाली दल ने कहा कि हुण कांग्रेस ने 1984 सिख कतलेआम के पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कन का काम किया है। हालांकि जब मीडिया ने पंजाब के कांग्रसी मंत्रियों तो सवाल किया तो सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि अगर अकाली दल दरबार साहिब सेवा करके गुनाहों की माफ़ी ले सकते हैं तो फिर कांग्रसियों ने भी तो दरबार साहिब जाके मत्था टेकया ही है। यानी असिधे तौर पर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने 1984 सिख कतलेआम के दोषियों का बचा किया। बादल अकाली दल जाकर वहाँ जाने अनजाने में गलती कोई कर सकता है तो उसको माफ़ी मिल सकती है। तो कांग्रेस के लीडर कई बार वहाँ अकाल तख्त पर और दरबार साहब माथा टेक कर आए हैं तो वो भी वैसे ट्रीट किया जाए जैसा अकाली दल को ट्रीट किया गया है। उधर इस बाबत जब मीडिया ने तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा तो सवाल किया तो बाजवा ने कहा कि असी हाईकमान के वलों लए गए हर फैसले के हक विच हाँ। चलो कोई गुजरात का आरोपी है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, वो मानते हैं कि नहीं? अकाली माने को गुजरात में आरोपी कौन है? किसको अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि राजधर्म भी कोई है, वो कौन है? अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो शायद वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मगर ये सोचना हाईकमान का काम है, मेरा नहीं है। चकदे टीवी नाल जुड़े रहने लिए साडा चैनल सबसक्राइब करो, वीडियो सब तो पहला देखने लिए बैल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो।